नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। राम वन गमन पथ में बदलाव को लेकर चर्चा पर मंत्री ब्रज मोहन अग्रवाल ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। ब्रज मोहन अग्रवाल ने बताया कि कांग्रेस की सरकार ने अपने फायदे के लिए कुछ और रास्तों को भी वन गमन पथ में जोड़ दिया। बीजेपी लोगों को वास्तविक जानकारी देगी। राम वन गमन को लेकर, उसके मार्ग को लेकर चर्चा है, कुछ चेंजेस उसमें होंगे, ये क्या था? ये नहीं, जो वास्तविक प्रभु राम का वन गमन पथ है और उसके बारे में देश के बड़े बड़े लोगों ने इसके ऊपर में रिसर्च किया है और उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया है, तो जो प्रभु राम का वास्तविक राम वन गमन पथ है, कांग्रेस की सरकार ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए कुछ ऐसे स्थान हैं जो उस रास्ते में नहीं आते हैं उनको भी घोषित कर दिया है, तो लोगों को वास्तविक जानकारी मिले इसका हम निर्णय करेंगे। कई जगहों पर काम भी चालू कर दिया है कांग्रेस सरकार। अच्छा है, डेवलपमेंट कोई खराब नहीं है, डेवलपमेंट होना चाहिए, परंतु प्रभु राम के नाम पर और लोगों को गुमराह करना ये ठीक नहीं है। कांग्रेस अयोध्या नहीं जाएगी 22 तारीख को, उसने फैसला किया है। अब जो राम प्रेमी होंगे वो जाएंगे, जो रामद्रोही होंगे वो नहीं जाएंगे। 22 तारीख को छुट्टी की भी आपने मांग की है? मांग नहीं की है मैंने, मैंने सुझाव दिया है। मैं सरकार में हूं तो मुझे मांग करने का अधिकार नहीं। हमने सभी स्कूल और कॉलेजों में 22 तारीख को छुट्टी की घोषणा आज कर दी। घोषणा उन्होंने कर दी और सबसे अहम राम वन गमन का जो वास्तविक मार्ग उनका कहना है वो बनाया जाएगा। काल्पनिक मार्ग कांग्रेस सरकार ने बना दिया था, उनका आरोप है, उसको चेंज किया जाएगा। कैमरामैन मनीष के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। कांग्रेस ने मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर राम वन गमन पथ पर बयान पर पलटवार किया। कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने कहा कि 15 साल तो बीजेपी की सरकार थी, स्वयं ब्रजमोहन अग्रवाल पर्यटन मंत्री संस्कृति मंत्री थे, तब उनको याद नहीं आई जब कांग्रेस सरकार ने राम वन गमन पथ का निर्माण किया। पूरे देश में, पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलकर जनता में प्रचार प्रसार कर भ्रष्टाचार की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, खासकर छत्तीसगढ़ के जो नेताएं हैं उनको तो छत्तीसगढ़ में राम भगवान के विषय में बात नहीं करना चाहिए। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, राम वन गमन पथ से लेकर कौशल्या माता मंदिर के नव निर्माण की अगर किसी ने याद दिलाई और किसी ने उसको किया तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उसको किया है। चलिए, इसी पर अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुक करेंगे। हमारे न्यूज एडिटर, छत्तीसगढ़ न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, चूंकि अब कुछ ही दिन बाद रामलला विराजमान होंगे अयोध्या में, भव्य राम मंदिर जो बन रहा है, मतलब प्राण प्रतिष्ठा का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे हम देख रहे हैं भगवान राम को लेकर सियासत हो रही है। अब राम गमन पथ को लेकर भी छत्तीसगढ़ में आरोप प्रत्यारोप के दौर लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए राम वन गमन को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। धर्मस्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि राम वन गमन का जो पथ था उसका फिर से निर्धारण होगा। दरअसल बीजेपी कार्यकाल में राम वन गमन पथ जो बनाया गया था, कांग्रेस कार्यकाल में उस वन गमन पथ को चेंज किया गया था और उसमें बहुत सारे नई चीजों को एड ऑन किया गया था। उसी को लेकर ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ये सस्ती लोकप्रियता और राजनीति से प्रेरित होकर ये तमाम राम वन गमन पथ पिछली सरकार ने निर्धारित किया था, तो उसको फिर से तय किया जाएगा और जो वास्तविक राम वन गमन पथ है उस पर यहाँ पर काम किया जाएगा, उसकी समीक्षा की जाएगी और उस सर्वे के आधार पर एक बार फिर से नए सिरे से राम वन गमन पथ, जो वास्तविक राम वन गमन पथ है, उसकी तैयारी की जाएगी। राम वन गमन को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत लगातार होती रही है। पिछले सरकार में भी 5 साल ये बड़ी चर्चा में रहा था और अब इस सरकार में भी राम के नाम को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों के बीच सियासत जारी है। राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ है और इसको लेकर भी दोनों दल आपस में आमने सामने होते रहे हैं। राम वनगमन उसी में से एक विवाद का विषय बना था दोनों के बीच में और धर्मस्व मंत्री ने अपनी सरकार आते ही फिर से घोषणा की कि जो वास्तविक है, जो पिछली सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने तय किया था, उसी मार्ग को वास्तविक मानते हुए समीक्षा की जाएगी और नए सिरे से राम वन गमन पथ का निर्माण किया जाएगा। ठीक, अभिषेक बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और कांग्रेस ने इस भव्य कार्यक्रम के निमंत्रण को ठुकरा दिया है। इस मामले पर जहां सियासत जारी है, वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे कांग्रेस का दुर्भाग्य बताया। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने
क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है और हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है और ये तो बड़ा सौभाग्य का विषय है। लोग 22 तारीख के निमंत्रण के लिए तरसते हैं लेकिन अगर कांग्रेस उसको ठुकराई है तो ये उनका दुर्भाग्य है और निश्चित रूप से आने वाले समय में देश की जनता भी उनको ठुकराएगी। सर, ननिहाल है तो ननिहाल की तरफ से आप क्या क्या सामान भेज रहे हैं? हाँ, ननिहाल के नाते एक तो 3000 टन जो सुगंधित चावल होता है छत्तीसगढ़ में, उसको हम लोगों ने भेजा है। यहाँ पर भोग लगेगा उसका और अभी सब्जी भी भेजने वाले हैं छत्तीसगढ़ से और योजना अब चलेगा सरकारी खर्चे से, छत्तीसगढ़ के लोगों को अयोध्या ले जाकर भगवान राम का दर्शन कराया जाएगा। तो मुख्यमंत्री शिव विष्णुदेव साय कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग नहीं जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा में, ये उनका दुर्भाग्य है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि चावल के साथ अब सब्जी भी राम की ननिहाल से अयोध्या भेजेंगे। कैमरामैन हरीश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज 18। तो एक तरफ 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर छत्तीसगढ़ में भी उत्साह देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसे राजनीतिक लाभ के लिए उठाया जाने वाला कदम बता रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने जा रही है। दीपक बैज ने कांग्रेस नेताओं के नहीं जाने पर कहा कि शंकराचार्य भी नहीं जा रहे हैं। अयोध्या नहीं जाने का निर्णय क्या हमारी पार्टी के नेताओं ने किया है? क्या शंकराचार्य, देश के बड़े बड़े शंकराचार्य जो उस पूजा अनुष्ठान और उस मंदिर से जुड़े हैं, वो भी तो भी लगातार विरोध कर रहे हैं? देखिए क्या है, एक तो पहली चीज कि बड़े बड़े संत भी कह रहे हैं कि राम मंदिर अभी भी पूरा नहीं बना है, अपूर्ण है, तो भारतीय जनता पार्टी उसको उद्घाटन करने में इतनी जल्दबाजी क्यों? नंबर एक। नंबर दो कि सामने रामनवमी आ रहा है, तब तक मंदिर पूरा हो जाएगा, क्या रामनवमी में उद्घाटन नहीं कर सकते थे? इतना जल्दबाजी क्यों? मतलब सीधा सीधा यह है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी एक इवेंट के रूप में, एक परियोजना के रूप में उसको उपयोग करना चाहती है ताकि इसका लोकसभा चुनाव में इसका फायदा उठा। तो इसी पर अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का रुख करेंगे। सहयोगी ममता लांजीवार हमारे साथ जुड़ गई हैं लाइव। ममता, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं का ना जाना ये पार्टी का आंतरिक मसला है, ना जाने क्या सोचकर कांग्रेस नेता इस कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, लेकिन संतों का हवाला दिया जा रहा है जैसे शंकराचार्य भी नहीं जा रहे हैं। तो कांग्रेस अब ये कह रही है जैसे कि कई साधु संतों ने नहीं जाने का फैसला किया है, उसी का हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी इसको डिफेंड कर रही है अपने आप को। ममता, बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का कहना है कि शंकराचार्य भी नहीं जा रहे हैं, देशभर के साधु संत जो है वो नहीं जा रहे हैं जी, और मंदिर जो अधूरा है और अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की कैसे की जा रही है। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये आयोजन हड़बड़ी में किया जा रहा है और कांग्रेस अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना चाहती है और किसी भी तरीके के विवाद में वो पढ़ना नहीं चाहती है, ये कांग्रेस का कहना है। सचिन पायलट में पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है और मंदिर कब जाना है, कब नहीं दर्शन करना है, ये हम तय करेंगे, ये कोई पार्टी का इवेंट नहीं तय करेगा। और दीपक बैस से कह रहा था कि ये राम मंदिर का ठीक है। ममता, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब बात करेंगे सीएम विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे की। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे हैं विष्णुदेव साय। सीएम बनने के बाद शाह से पहली मुलाकात ये उनकी होनी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए सीएम साय पहुंचे हुए हैं और सीएम बनने के बाद पहली बार अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। बड़ी खबर इस वक्त की, सीएम विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। सीएम बनने के बाद पहली बार अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी।
वहीं छत्तीसगढ़ के प्रयागराज राज्य में कचरा बीनने वाली बिहुला बाई को अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता मिला है। बिहुला बाई रोज कचरा बीनने का काम कर जीवन यापन करती हैं और एक साल पहले जब राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण का कार्य चल रहा था तब दिन भर कचरा बीन कर 40 रुपए कमाने वाली बिहुला बाई ने राम मंदिर निर्माण के लिए 20 रुपए का चंदा दिया था। उनकी इस भावना को देखते हुए हिंदू संगठन के लोग निमंत्रण के लिए अक्षत कलश लेकर बिहुला बाई की झोपड़ी पहुंचे और उन्हें श्री राम जी के दर्शन का न्योता दिया गया। न्योता मिलते ही बिहुला बाई भावुक हो गईं। उन्होंने इसे अपने जीवन का अनमोल पल बताया है। निधि समर्पण अभियान सेवा बस्ती राजीव में चल रहा था जिसमें बिंदुला बाई द्वारा कचरा बीन कर 40 रुपए एकत्र किया गया था जिसमें से 20 रुपए की राशि राम मंदिर निर्माण हेतु दिया गया था। विगत दिनों प्रांत की टोली प्रवास पे थी जिले में समर्पण अभियान के समय जब हम उनके पास पहुंचे थे तो दोपहर का समय था। वो समय कचरा बेच कर के आ रही थी। उन्होंने हमें कहा कि बेटा मैं आज दिन भर में 40 रुपए का जो बिक्री हुआ है उसमें से आज की आधी कमाई 20 रुपए का एक उस समय जो रसीद था वो उन्होंने कटवाया था। तो ये इतनी भावुक कर देने वाला उस समय का राम जन्मभूमि के शिलान्यास के दौरान बुलाया जा रहा है तो उनको बुलाने के लिए हमारे प्रांत की वो यहाँ पर आकर के उन्हें विशेष निमंत्रण दी है। बिहुला बाई को निमंत्रण आया है श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने। इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में देश के कई उद्योगपति मंत्री और कई दिग्गज शामिल होंगे, उसमें बिहुला बाई भी शामिल होगी। और जिस तरह इनको निमंत्रण आया है इस छोटी सी कुटिया में खुशियों की बहार है और बिहुला बाई आतुर है श्री राम भगवान से मिलने के लिए अयोध्या जाने के लिए। और ये देखिए निमंत्रण जो आमंत्रण पत्र है अपने हाथ में रखी है। बिहुला बाई कचरा उठाने का काम करती है और इन्हें अब अयोध्या जाने का मौका मिला है। बिहुला बाई आप क्या काम करती है जरा हमारे दर्शकों को बताइए। कचरा काम करती हूं और कचरा उठाता हूँ और मंदिर में जाके राजीव लोचन से भीख मांगता हूँ और अयोध्या जाए के मुला समय दी से भगवान हरा। कितना कमा लेते कि 40-50 रुपया कमा लेता हूँ। कितना दान किए थे? 20 रुपया दान किए था। अच्छा, आपको निमंत्रण मिला है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। जाने के लिए आप तैयार हैं? हाँ। और इस बात को लेकर छत्तीसगढ़ प्रयागराज राजिम सहित पूरे जिले में खुशी की लहर है। न्यूज 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान।